ऑन करने के बाद भैया बोल रहे हैं 1000 रुपये ज़्यादा लगेगा। वैसे अभी पुरानी वाली क्लच प्लेट है, पूरी पूरी जल चुकी है, देख रहे हैं क्या बोला। चलते चलते देखिए गाड़ी कट कट गया है पूरा। ये भैया लोग खड़े हुए हैं ना, ये लोग खड़े हुए, ये लोग कस्टमर को पकड़ के लेके आते हैं। चल भाई गाड़ी बनवा। हाँ। क्लच प्लेट, सर्विस, डिस्पैड, ये भी खराब है। ये क्या चीज होती है? ये डिस्पैड इसके अंदर होता है। अच्छा डिस्पैड, हाँ। अच्छा ये पीछे वाले भी खराब है? पीछे सही है, पीछे सही है। और सॉकर बनेगा, देखिए एकदम सूख गया है, बैठ गया। हाइड्रोलिक से गैस होता है, गैस सब खत्म हो चुकी है। आयल पड़ेगा, बनेगा, आयल सीट लगेगी, आगे भी यही काम होगा। अच्छा वेलकम बैक टू द चैनल। बात यह है कि ये जो गाड़ी है ना हमारी पहले 1 साल से पड़ी हुई है। हम कहीं तो सर्विसिंग नहीं करवाएंगे, लेकिन आज पता नहीं कैसे अल्टीमेटली मैंने सोचा कि आज को लेके चलते हैं। और लेके आके हम बड़ा उठता तेल ले चुके हैं कि भैया बता रहे हैं करीब 1000 रुपये खर्चा लगेगी इसमें। क्यों भैया 1000 रुपये लगेगी ना? 1000 रुपये ही होगी, हेल्प पड़ेगा, सर्विसिंग करवाना पड़ेगा। बात ये है कि ये जो बैक करता था ना तो गाड़ी फंसती थी। तो ये है मेरी गाड़ी जो कि करिज़मा ZMR, जिसको लिए हुए करीब 10 साल हो गए आज। तो अब बोलते ना गाड़ी जब इंसान लेता है तो बड़ी उसको सुख मिलता है, लेकिन आज बहुत दुख हो रहा है मेरे को सही बताऊँ उसको देख कर ना। कैमरा ऑन करने के बाद भैया बोल रहे हैं 1000 रुपये ज़्यादा लगेगा। वैसे अभी देखिए कम करवाएंगे थोड़ी देर बाद। मैं इसको बाइक के बारे में बताऊं आपको, ये बाइक मैंने ली थी 2014 में ली थी। ये हमको पड़ी थी 1,12,000 की। और यहाँ पे देखिए फ्रंट डिस्क भी है, बैक डिस्क भी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी जो सीसी है ये है 225 सीसी गाड़ी है ये। तो गाड़ी तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है गाड़ी को लेकर। अच्छा इसका भैया ग्राउंड क्लियरेंस कितना होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना क्लियरेंस होगा? यहाँ से लेकर नीचे तक कितना क्लियरेंस होगा? मान लीजिए 1 फीट होगा ना। देखो हम किस तरीके बैठे, देख रहे हो। बात ये है कि ये जो है गाड़ी कभी भी आप गांव में लेकर मत जाइएगा, नहीं तो नीचे खट तक लड़ता है। हम ट्राई कर चुके हैं ना एक्चुअली में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। वैसे स्पोर्ट्स बाइक अगर तुमको शौक है तो लेना, लेकिन जेब में समझ रहे हो ना, तो वही बता रहा हूँ भाई, सोच समझ कुछ लेना। भैया लोग सब हंस रहे हैं हमको, देख क्या कर रहे हैं भैया, पगलाई कर रहे हैं इतनी देर से। कैमरे में कोई बात करता है क्या भैया? करें हमसे नहीं बात करें, कैमरे में बात कर रहे हैं। हम क्या बताएं, आप लोगों से बात करना एक्चुअली मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए पर नेटवर्क निकाल दिया गया है इसका, अभी नीचे से बनाया जाएगा पहले। हाँ ये देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट ये चेंज होगा। ये मोबाइल है क्या? ये देखिए सारा मोबाइल जो बचा था वो भैया निकाल बाहर कर दिया है पूरा। ये देखिए, देख रहे हैं। अच्छा मोबाइल से भैया क्या फ़ायदा होता है? क्यों भैया मोबाइल से क्या फ़ायदा होता है? नुकसान होता है नहीं डालने, गाड़ी धुआं दे जाएगी। अच्छा अगर इनके मोबाइल आदमी पूरी कभी डलवाएगी ना तो उससे क्या नुकसान होगा? धुआं दे जाएगी गाड़ी, रिटर्न सीज हो जाएगा उसको। अच्छा ओके। ये क्या चीज़ है? बेरिंग है क्या इसकी? ये क्या चीज़ है? एक क्लच प्लेट है। अच्छा एक क्लच प्लेट है। और पूरे जितना इंजन ऑयल सब बाहर निकाल के बाहर रख दिया गया है। ये होली पे काम आ जाएगा क्यों भैया? होली पे काम नहीं आ जाएगा? होली खेलने के लिए किसी के साथ क्यों भैया? सही नहीं कह रहे हैं। होली पे तो आप लोगों को जोत प्रसंग की जरूरत नहीं पड़ती होगी ना, ये इंजन ऑयल निकालते हैं मुँह लगाया तुम किसी। भैया देखो फिर हंस रहे हैं मुँह में। नाम भाई आपका नाम क्या है? जोजो। वाह बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा क्यूट सा नाम है। तो आपकी दुकान ये वाली है क्या? तो यहाँ पे सारी चीज़ मिल जाएंगी। टायर वायर भी रखा हुआ है इसमें ना? तो टायर ही बेचते हो कि बाकी चीज़ें बेचते हो? अच्छा तो मतलब गाड़ी के सारे पार्ट मिल जाएंगे इसमें। भैया आपका नाम क्या है? आप इस दुकान में काम करते हैं क्या? अच्छा तो आगे चौरसिया सीरीज है, तो वहाँ तो नहीं बनवाया भैया, कैसे प्रमोट करें हम? गजब टूबी आ जाते हैं। ठीक है कोई बात नहीं। तो ये जो जगह है ये है खरमंडा। अच्छा खरमंडा। तो भैया इतने दिन से हम गाड़ी यहाँ बना रहे हैं, आज हमको पता चला इस जगह का नाम है खरमंडा मार्केट। ठीक है ना, खरा बंदा। तो यहाँ पर बगल में आपको Hyundai का शोरूम भी दिख जाएगा। जो इंदिरा भवन देखा है ना आपने, इंदिरा भवन थी उसके पीछे साइड पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं गाड़ी बनवाना हो। लाइन से शॉप्स हैं DRM ऑफिस के सामने। हाँ DRM ऑफिस के सामने, सही बात है। तो यहाँ पर आगे सामने रेलवे कॉलोनी है ना पूरी, है तो ये पूरी रेलवे कॉलोनी है। और इसके पास में आपको रेलवे स्टेशन में पड़ जाएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 16 के आसपास है। हाँ 16 पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो बाकी हमारी गाड़ी जो है एकदम बनती चली जा रही है। अब देखते हैं कितना फील आता है बनाने के बाद इसको। हम लोग जा रहे हैं क्लच प्लेट लेने और मैं देखता हूँ क्लच प्लेट कितने की मिलती है। तो ये देखो यार, ये लिए हैं क्लच प्लेट। ये देखो ये क्या है, ये क्या है, ये हब है। अच्छा, क्लच का हब है ये, जिसमें लगता है ना जो। तो बहुत मोटा खर्चा बैठ गया है हमारा। कैस्ट्रॉल का है, कैस्ट्रॉल का GTI एसेंशियल। अच्छा, और ये क्या, और ये क्या है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये प्लेट हो गई। अच्छा, ये क्लच प्लेट है। अच्छा, क्लच प्लेट 5 होती है ना? 5 होती है। अच्छा, बाइक पे बाइक डिपेंड करती है कि सब में 5 लगती है? सब डिफरेंट होती है, कोई में 4 लगती है। अच्छा, और ये क्या है? ये सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक है। ये बैलेंस है, बैलेंस से क्या होता है? ये यहाँ पे लगता है, उसे इसी से चलती है गाड़ी, छोड़ लेती है। अच्छा, तो करीब पड़ा है ये 1100 रुपये का सारा मिलाकर, मोबिल छोड़ के, वो भी ठीक है। तो समझ लो, अब देख लो, अब आज हमारा दिमाग हो गया खराब बिल्कुल। इतना पैसा हम बचाए तो पूरा महीना पर खर्चा हो जाएगा पूरा। भैया लोग कुछ कम भी नहीं कर रहे हैं, क्या बोले हम, भैया कुछ कम कर दीजिए। सब कम हो गया है, हो गया। तो ठीक है भैया, अभी हो गया, आप बताइए साथ-साथ काम कराएंगे। पुरानी वाली क्लच प्लेट है, पूरी पूरी जल चुकी है, देख रहे हैं ये। जितना कि मैं लोगों से जल के चलता हूँ ना, गाड़ी लेते हैं हम, नई कार लेते हैं, उससे ज़्यादा जल गई है ये। अच्छा, हमको सिखा दिया है। और ये देखिए, ये भी जल गया है, देखिए ये जलने के कट गया है पूरा, चलते देखिए गाड़ी कट गया है पूरा। ये जिस तरह लड़कियाँ काटती हैं लड़कों का, वैसे एकदम उससे ज़्यादा कट गया है ये। अबे साले, जो माफ करना मैं भैया पंचर बनाते हैं, पंचर। अच्छा, आदमी पंचर बनाते हैं, आदमी का पंचर। अरे नहीं, मजाक कर रहे हैं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप गाड़ी, आप भी गाड़ी बनाते हैं ना, मतलब पंचर बनाता है? अच्छा, तो आप इस वाली केशवानी ऑटोमोबाइल है ना, इनके यहाँ भी बनवा सकते हैं, अच्छा बनाते हैं। तो भैया लोग आप इन्हीं के साथ काम करते हैं क्या? भैया शर्मा क्यों रहे हैं आप, शर्मा क्यों रहे हैं? कमला पसंद आए क्या? अच्छा। अरे यार, तो जैसे भैया लोग खड़े हुए हैं ना, ये लोग खड़े हुए, ये लोग कस्टमर को पकड़ के लेके आते हैं, चल मैं गाड़ी बनवा। ऐसे करते नहीं करते, ये करता है। तो ये जो भैया लोग खड़े हैं, ये एक्चुअली खड़े हुए हैं, कस्टमर को पकड़ेंगे, लेके आएंगे अंदर, क्यों भैया? सही कह रहे ना भैया? आप भी कमला पसंद आए क्या? कमला पसंद, अरे भैया का हाथ में खुद कमला पसंद है। आई गजब। ये मोबाइल और डालने वाले हैं भैया, तो आप इसका स्लो मोशन देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करूँगा अच्छा बनाने की, पता नहीं। आप तो एकदम विलम वाला रुक दे रहे हैं, सुनिए तो आप। यार बात ही ना, मैं कभी पगलाई कर देता हूँ, अनकम्फर्टेबल कर देता हूँ, रिलीज सॉरी पड़ता है। मेरे को इतना याद है इन्होंने, सॉरी नहीं होता है यार, मैं समझ सकता हूँ भाई, क्योंकि हम लोग जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया था तो नहीं हो पाता यार, टफ होता थोड़ा सा। आज अब आदत हो चुकी है, मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं अभी, हम लोग सीख रहे हैं। जैसे भैया लोगों से आज हम गाड़ी बनाना सीखे हैं, अगली बार हम गाड़ी खुद बनाएंगे। अच्छा भाई, गाड़ी बनाना सीखने में कितना टाइम लगेगा आदमी को? सीखने में मान लीजिए 5 साल। 5 साल लगेगा? साला 5 साल में तो आदमी बीटेक कर लेता है भैया, 5 साल लगेगा प्रो होने के लिए ना, मतलब। जो पहले क्लच केबल थी छोटी थी ना भैया, वो ये वाली क्लच केबल रेड मार की है ये वाली। तो ये देखिए, ये CBG गेज पहले थी हमारी गाड़ी में लगी हुई थी ये, तो ये भी दग गई आज, कट गई बीच में से ना ये भी। अरे देखिए, अरे भाई, अरे भैया रुक गई। तो ये देखिए बीच में से कट गई है, देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। 130 रुपए की है, 130 रुपए की है, 130 80 रुपए की मिलती है भैया। वो 80 वाली नहीं है भैया? अरे भैया, भैया 80 की नहीं मिलती है? अरे भैया, हमको मिली है वहाँ पर ZMR की हीरो में, वो 80 रुपए की मिलती है, वो 80 रुपए की। हाँ बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। क्या नाम है दुकान का? आपकी दुकान का नाम क्या है? आपकी दुकान का नाम क्या है? नारायण सर्विस सेंटर। अच्छा, तो अगर देखिए आपको गाड़ी वगैरह धुलवानी हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, नारायण सर्विस सेंटर, ठीक है ना। तो थोड़ा छोटी शॉप है, आपको दिख जाएगी यहाँ पर, जिस रूट पर मैं अभी बाइक बनाता हूँ वहीं पर पास में ही है। और सुबह से मैं कुछ खाया नहीं एक्चुअली, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ढंग से अभी। तो बाकी मैं गाड़ी धुलवा रहा हूँ अपनी, और भैया कह रहे हैं गाड़ी धुलने के बाद वीडियो बनाइएगा, अभी हमें बनाइएगा, क्यों भैया? इसमें क्या यूज करते हो तुम? इसमें जो सर्फ है इसमें क्या है? शैम्पू लाइए। अरे शैम्पू, कौन शैम्पू यूज करते हो? ये है क्लिनिक प्लस। यहाँ पर भैया जो शैम्पू यूज करते हैं वो है क्लिनिक प्लस। तो एक टाइम था लोग जो है शैम्पू बाहर में लगाते थे, अब एक टाइम आ चुका है लोग शैम्पू बाइक पर लगाते हैं। तो भैया मुस्कुरा भी रहे हैं। तो अभी क्या है ना, बाइक मेरी सर्विसिंग पूरी हो चुकी है, और अगर हिंदी के सामने पूरा ब्लॉग देख लिया होगा तो प्लीज़ जस्ट गो ऑन और वीडियो लाइक करके जाना यार, ठीक है। और बाकी होली का बहुत अच्छा प्लान है, होली पर आप लोग हमको ज्वाइन करिएगा। पता ही है आपको, हम लोग सबको प्लान कर रहे हैं, मैं, नम्रता और डालने का अंदर, शुभम भी रहेंगे, अंकित भी रहेंगे, सभी लोग रहेंगे, बहुत मज़ा आएगी। और इन द केस आज है 2 मार्च, कल इन द केस अगर वीडियो अपलोड हो जाता है तो आप लोग प्लीज़ आइएगा ज़रूर, और इसलिए मैंने वीडियो बनाया भाई। तो वैसे तो ये जगह सही नहीं है बात करने के इसके बारे में, लेकिन ठीक है, मैं कहा आज ही इस टाइम बात कर लेना आपसे, क्या इसके बाद को ब्लॉग ना बने, चलिए ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, इन दी होली वाला व्लॉग। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।